प्रीतमपुर कहकर एक गांव में राजेश और पल्लवी अपनी छोटी बेटी रिंकी के साथ रहते हैं। राजेश और पल्लवी दोनों की गांव में एक कपड़ों की दुकान होती है, जहां वो दोनों कपड़े बेचते हैं। रिंकी के पापा, भगवान की कृपा दृष्टि से हमारा कारोबार काफी अच्छी तरह से चल रहा है, बस ये यूं ही चलता रहे। हाँ भाग्यवान, चलो अब जल्दी से दुकान बंद करते हैं। हमारी रिंकी घर पर अकेली है, उसे भूख लगी होगी। लेकिन हमें ये सारे पैसे आज अपने घर ले जाने हैं ना? हाँ हाँ भाग्यवान, दुकानों में आजकल बहुत चोरी चकारी हो रही है, तुम इन पैसों को साथ ही ले लो, हमारी महीने भर की कमाई है ये। राजेश और पल्लवी दोनों उन पैसों को अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन रास्ते में कुछ गुंडे उनका रास्ता रोक लेते हैं। अबे ओए चपड़ गंजू, चल पैसे निकाल, चल। क्या? अबे तुझे जितना कहा है उतना कर, हम अच्छी तरह जानते हैं कि इस पूरे गांव में सबसे ज्यादा तेरी ही कपड़ों की दुकान चलती है, चल पैसे निकाल। हमने तुझे और तेरी इस बीवी को पैसे अपने साथ रखते हुए देख लिया था दूर से। पल्लवी और राजेश बहुत घबरा जाते हैं। ऐसा मत कीजिए, हमें जाने दीजिए, ये हमारे महीने भर की कमाई है। हाँ हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों हमारे पीछे पड़े हो। नौटंकी बंद करो दोनों और पैसे दे दो चुपचाप, वरना दोनों को जान से मार देंगे हम। लगता है ये दोनों ऐसे नहीं मानेंगे। पल्लवी और राजेश वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों गुंडे उन दोनों पर बंदूक से गोली चलाते हैं और वो दोनों वहीं पर मर जाते हैं। बड़े आए थे हमसे पंगा लेने वाले, चल जल्दी से चल यहाँ से, अगर किसी गांव वासी ने हमें यहाँ देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। दोनों गुंडे वहाँ से सारे पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। वहीं रिंकी रात भर जागकर घर की चौखट पर बैठकर अपने माता पिता के आने का इंतजार करती है। अगली सुबह उसे पता चलता है कि उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे हैं, जिसके बाद वो अकेली हो जाती है और उसे उसके घर से भी उसका घर मालिक बाहर निकाल देता है। अब मैं कहाँ जाऊंगी, माँ और बाबूजी के सिवा तो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, एक माँ और बाबूजी ही थे, उन्हें भी भगवान जी ने मुझसे छीन लिया। रिंकी तपती धूप में इधर उधर भटक रही होती है, उसे बहुत तेज भूख भी लगी होती है। तभी उसकी नजर वहाँ की झाड़ियों में पड़ी एक गुड़िया पड़ जाती है। अरे ये गुड़िया, ये तो कितनी प्यारी गुड़िया है, लेकिन इस पर काफी धूल चढ़ी हुई है और ये बहुत पुरानी भी लग रही है, मैं इसे नदी के पानी से धो देती हूँ। रिंकी उस गुड़िया को नदी के पानी से धोती है, जिसके बाद वो गुड़िया रिंकी से कहती है, मुझे नहलाने के लिए धन्यवाद, मैं हूँ एक जादुई गुड़िया, फैलाती हूँ मैं सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ। अरे वाह, तुम तो बोल भी सकती हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम एक जादुई गुड़िया हो। हाँ रिंकी, मैं 100 साल पुरानी गुड़िया हूँ, इस गांव के 100 साल पहले के राजा की बेटी की गुड़िया थी मैं, लेकिन दंगों और लड़ाई में मैं यहाँ जंगल तक पहुँच गई और तब से लेकर आज तक यहीं पड़ी थी। हे भगवान, ये तो बहुत ही गलत हुआ, मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद, अब मैं तुम्हारी हो चुकी हूँ, तुम्हें अब मुझसे जो चाहिए तुम वो मांग सकती हो, क्योंकि मैं हूँ एक जादुई गुड़िया, फैलाती हूँ मैं सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ। शुक्रिया जादुई गुड़िया, मुझे बहुत भूख लगी है और मेरे ये कपड़े भी काफी गंदे हो गए हैं, बस इतनी सी बात, ये लो। जादुई गुड़िया रिंकी के लिए अपने जादू से ढेर सारे पकवान
और एक सुंदर सी ड्रेस प्रकट करती है। उसे देख रिंकी के होश उड़ जाते हैं। अरे वाह, सच में मेरी आंखों को तो विश्वास ही नहीं हो पा रहा है। अब जादुई गुड़िया के सहारे रिंकी का जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। वो उससे जो भी मांगती उसे जादुई गुड़िया तुरंत दे देती। लेकिन जब उस गांव के दुष्ट जादूगर जंबूरा को रिंकी की जादुई गुड़िया के बारे में पता चलता है। एक जादुई गुड़िया, लगता है ये वही 100 साल पुरानी जादुई गुड़िया है जो 100 साल पहले युद्ध में खो गई थी, जिसे आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया है। लेकिन अब वो मेरी हो जाएगी, मैं उसे अपने चुंगुल में कैद करके रखूंगा। जादूगर जंबूरा रिंकी के पास जाकर उससे वो जादुई गुड़िया छीन लेता है और उस जादुई गुड़िया को अपनी कांच की बोतल में कैद कर लेता है। नहीं, ये जादुई गुड़िया वापस कर दो मुझे, तुम ऐसा नहीं कर सकते जादूगर जंबूरा। चुप हो जा लड़की, अब ये जादुई गुड़िया मेरी हो गई है। मैं तुझसे मेरी जादुई गुड़िया वापस लेकर ही रहूंगी। ऐसा कभी नहीं हो पाएगा लड़की, ये ले। जंबूरा अपनी जादुई छड़ी से रिंकी को एक चिड़िया में बदल देता है। अब लेकर दिखा मुझसे अपनी ये जादुई गुड़िया। नहीं, ये तुमने सही नहीं किया है जादूगर जंबूरा। जादूगर जंबूरा वहां से चला जाता है, जिसके बाद रिंकी बहुत परेशान हो जाती है और वो फूट फूट कर रोती है। जब वो जंगल में होती है तभी कुछ चिड़ीमार जंगल में आते हैं, लेकिन वो जल्दी से उड़कर वहां से भाग जाती है और अपनी जान बचा लेती है। एक चिड़िया बनकर रहना कितना घातक है। नहीं, मैं उस दुष्ट जादूगर से अपनी जादुई गुड़िया लेकर ही रहूंगी, लेकिन वो कैसे संभव होगा। हाँ, मैं गांव के साधु जी के पास जाती हूँ, वो मेरी इस दुविधा का हल जरूर देंगे मुझे। रिंकी उड़कर साधु जी के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। माफ करना बेटी, लेकिन ना तो मेरे पास ऐसी कोई शक्ति है जिससे मैं तुम्हें फिर से इंसान बना सकूं, और ना ही ऐसी कोई शक्ति है जो उस जादूगर जंबूरा का विनाश कर सके। तो उसे नहीं मारा जा सकता है क्या साधु जी? उसे मारने का एक उपाय तो है, और वो है उसकी आंखों पर चांद की रोशनी गिराना, और वो हर रात अपने तंबू में रहता है ताकि उस पर चांद की रोशनी ना पड़े, क्योंकि जिस रात उसकी आंखों पर चांद की रोशनी पड़ेगी उस रात वो अपनी सारी जादुई शक्तियां खो देगा और खत्म हो जाएगा। क्या? रिंकी अब रात में जंबूरा के तंबू के बाहर जाती है और वो चतुराई से उसके तंबू को अपने चोंच से काटने लगती है। उसे काटते काटते आधी रात बीत जाती है। हे भगवान, मुझे इस तंबू को जल्दी ही काटना होगा, वरना सुबह हो जाएगी और चांद चला जाएगा। रिंकी पूरी ताकत लगाकर अपनी चोंच से उस तंबू को आधा काट देती है, जिससे जंबूरा की आंखों पर चांद की रोशनी पड़ती है और वो दर्द से कराहने लगता है। आ, आ, नहीं, ये नहीं हो सकता। और इसी के साथ उसका और उसकी शक्तियों का अंत हो जाता है और रिंकी फिर से इंसान बन जाती है और उसे वो जादुई गुड़िया वापस मिल जाती है।